नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज है चैत्री पूनम, 16 तारीख है, 16 अप्रैल, और आज है दोस्तों हनुमान जयंती। नव वर्ष की ये पहली पूनम है, बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र दिन है। आज जितना ज्यादा हो सके दोस्तों भगवान सत्यनारायण की, भगवान नारायण की सेवा पूजा करें और माता लक्ष्मी की पूजा घर में जरूर करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को लाल या पीले कपड़े पर आज के दिन घर में उनकी स्थापना करें, उन्हें केसर या हल्दी के पानी से स्नान करवाएं और उनकी स्थापना करें। हल्दी कुमकुम का उन्हें तिलक अर्पित करें, लाल और पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करें, घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। आज भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। जो लोग कथा नहीं सुन पाते हैं वो लोग ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो लोग ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, दिन बदल जाएंगे। जो लोग हर पूनम पूनम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। पूनम के दिन, शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित कर दें। दोस्तों, कभी घर में धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा काम आज के दिन जरूर करें। यदि उपाय अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। छोटा सा उपाय है, हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स को छोटा सा उपाय बहुत अच्छा लगता है, जो आसानी से हो जाए, जो आराम से हो जाए, है ना? तो ये बहुत आसानी से कर लेने वाला उपाय है। आज के दिन दोस्तों संध्या समय, सुबह करना चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, अन्यथा संध्या समय एक गुलाब का फूल ले लें या कुछ पंखुड़ियां ले लें। गुलाब का पुष्प ना हो तो कोई भी खुशबूदार लाल रंग का पुष्प ले लें, या फिर कोई भी पुष्प हो उस पर गुलाब जल छाट लें, ठीक है? उसको लेकर के अपनी चौखट पर खड़े हो जाएं, जो आपके घर की मेन जो आपके घर का कमरा हो, मुख्य कमरा, उसके दरवाजे पर चौखट पर खड़े हो जाएं। वैसे दोस्तों मैंने आपको कई वीडियोज में जानकारी दी है चौखट के ऊपर खड़े होना, चौखट पर बैठना, या आपके घर की पड़ती की निशानी है। जो लोग ऐसे कर्म करते हैं उनका घर कभी ऊपर नहीं उठता, नेगेटिविटी उस घर में वास करने लग जाती है, क्योंकि चौखट में जो भी शक्तियों का वास है उन्हें श्राप देती है। लेकिन चौखट पर पूजा करना, जैसे दिया रखना, चौखट की रोज पूजा करना, ये वो कर्म है जो आपके घर को उद्धर्व गति की ओर ले जाते हैं, ऊपर उठाते, पड़ती नहीं करते, अधोगति नहीं करते। आज के दिन आपको गुलाब की पंखड़ी या गुलाब जल में कोई भी आप पुष्प को डुबो लें और उसको अपनी हथेली पर लेफ्ट हैंड पर रखें। लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी करें लेफ्ट हैंड पर ही रखें दोनों, ठीक है? लेकर के उसे खड़े हो जाएं और उसके बाद में वहां खड़े होकर के आप कम से कम 11 बार बोले ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा, बराबर ओम नमो कमल वासिन्ये स्वाहा, कम से कम 11 बार आपको बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है ओम हिरण्य वर्णाम हरणम सुवर्ण रजत इस्त्रजाम चंद्राम हिरण्य मय लक्ष्मी जात वेदोमय आवाह। माता लक्ष्मी को आपको पुकारना है, बराबर, भले आप एक बार बोले पर आपको इन शब्दों को बोल देना है, इस श्लोक को बोलना है, ठीक है? इस श्लोक को बोलने के बाद आपको अपने दूसरे हाथ से उस पुष्प को बराबर मसल देना है, बराबर उसको मसल दे
मसले तब भी मन ही मन ओम नमो कमलवासिने स्वाहा, ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। ये हथेली में दोस्तों आज के दिन माता लक्ष्मी के इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप गुलाब के पुष्प को ऐसे रगड़ते हैं, आपके हाथ में जो भी लक्ष्मी के बंधन कर दिए गए वो तमाम बंधन खुल जाते हैं। यही वो जगह है जिसमें तमाम ग्रह नक्षत्र राशियों का वास है। मैं हमेशा बताती हूँ कि इसको ऐसे ऐसे रगड़ो, रोज सुबह उठकर के इसको ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे 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 करो, तमाम ग्रह नक्षत्र अपने आप अपनी जगह पर रहते हैं। तो इस पर आपको अच्छे से उस पुष्प को रगड़ देना है। रगड़ करके आप उसकी खुशबू पूरी ताकत से लें एक बार या तीन बार और उसको अपने पूरे शरीर में घिस दें। चौखट के पैर छू लें, मतलब चौखट को नमन कर लें, जैसे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है ऐसे आप हाथ कर दें। उसके बाद में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के नाम का दिया बत्ती जला दें। पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करें, कोई भी मीठी चीज अर्पित कर दें। समझिए आपके घर में लक्ष्मी का आविर्भाव हो गया। हमेशा माता लक्ष्मी के घर में पूजा करें। जिंदगी दोस्तों सोने जैसी चमकेगी, किस्मत कितनी भी फूटी क्यों ना हो चमक जाएगी। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।